और तुम्हें गाइस पता है मैं कितना परेशान हो गया फंक्शंस में जा जा के। मैं अभी भी फंक्शन में ही जा रहा हूँ किसी, और आज ही के दिन जिस एज यूजुअल और आज ही के दिन जिस फंक्शन में मैं जा रहा हूँ वो तो तीन फंक्शन मैं ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही हमें चार फंक्शन है। बोले तुम फंक्शंस की बारात देख रहे हो जो हमारे लिए आ रही है। तो अभी तो फिलहाल मैं नानी के साथ जा रहा हूँ, तो हमने अपने फैमिली को ऐसे डिवाइड किया आधे उस फंक्शन में आधे उस फंक्शन में। सो मैं तो नानी के साथ दूर आया हूँ काफ़ी, और अभी हम फंक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। सो होप करते हैं खाना टेस्टी होगा। सो गाइज मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ, और अभी लगभग क्या 4:35 हो रहा है टू बी एग्जैक्ट, और मैं 10:30 निकला था सुबह के। मैं गया था नानी के साथ किसी फंक्शन में, और मैं बताता हूँ मेरा कितना बुरा दिन था आज। पहली बात, मैं ये फंक्शन में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली तुम व्लॉग्स देख रहे हो फंक्शन, बट नानी के साथ तो जाना पड़ता है। फंक्शन में पहली बात बहुत भीड़ थी, मुझे तो कैसे चेयर में मिल गई जगह। वहाँ फिर दो अंकल लड़ पड़े आपस में, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ऑब्वियसली। एक मिनट की लड़ाई भी नहीं थी, मतलब ऐसे कि गले से पकड़ के चाट, दूसरे ने गले से पकड़े चाट। यहाँ से वो सिर्फ जहाँ हम गए थे वो 1 घंटा दूर है, हम 2 बजे या 2:30 बजे वापस निकले हैं, और मैं 4:30 पहुँच रहा हूँ। तुम देख रहे हो क्या क्या हुआ रास्ते में, बताता हूँ। जब हम निकले आज तक वो रोड वैसे होता है जैसे सेक्लूडेड से रोड है, वैसे कोई आता जाता नहीं है, बहुत खाली खाली रोड रहता है वो उस टाइप का रोड है। और उस रोड में जिंदगी में पहली बार इतना लंबा ट्रैफिक, मतलब 45 मिनट्स का ट्रैफिक लगा हुआ। जैसे ही मैं घर से निकला पिछला टायर फ्लैट, ट्रैफिक के तो मैं बोल ही नहीं रहा कि उससे फ्रस्ट्रेट होता है बंदा, वो अलग गया, पर वहाँ टायर फिर बैठ गया। सारे लोग मुझे जो भी ट्रैफिक, ऑब्वियसली ट्रैफिक था, भाई साहब आपका टायर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से एक दुकान में पहुंचा मैं, नहीं जी हम तो 2-व्हीलर्स का ही रिपेयर करते हैं, 4 का तो मैं, भाई इमरजेंसी है कर दे यार, लगाना ही तो है। फिर मैं आगे गया, नहीं जी हम तो ट्यूबलेस में डील करते हैं, ये तो ट्यूब वाला है। क्या चल रहा है भाई मेरे आज, क्या मतलब सारे खिलाफ क्यों हुए हैं सारे मेरे। मैंने बोला कि भाई तू इसको छोड़, ठीक मत कर इसको बंद करके, स्टेफनी बना और स्टेफनी वाले को डाल दे टायर की जगह। मतलब मैं आधे घंटे से जाम में फंसा हूँ, और ये एक और प्रॉब्लम आ गई। घर आया हूँ, ये बोलने को शायद तुम्हें ज्यादा लगे बिना, बल्कि ये है बोलने भी ज्यादा है, पर ऐसे ना ये माइंड ऐसे हो गया मेरा। ऊपर से जो नानियाँ होती हैं वैसे होती हैं, उनको इस चीज़ का समझ नहीं आया कि टायर को क्या हुआ, तो मेरे को डांट रहे हैं तूने घर से निकलने से पहले चेक क्यों नहीं किया। तो अभी लिटरली एडिटिंग शुरू कर रहा हूँ, और नानी चाय दे के गई, ये हेल्प करेगी थोड़ी मेरे को। अभी मैं देखो रेडी हूँ, मैंने कपड़े खोल लेने हैं अपने, हुड और जीन्स में ही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं टाइम से आके व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा, पर क्योंकि फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए, बट मैंने सोचा शॉर्ट्स लेता हूँ। अब मुझे क्या पता था इतनी देर हो जाएगी कि मैं, मेरा माइंड ही ऐसे हो गया भाई